आपका। पीटीए अप्रूवल का टैक्स देने के बावजूद मोबाइल फोन बंद होने का मामला। हफीज सेंटर के ताजरों का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज। ताजरों का कहना था जब टैक्स अदा कर दिया फिर मोबाइल बंद करना समझ से बाहर है। हफीज सेंटर के ताजिर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के खिलाफ सरापे एहतजाज बन गए। ताजिरों का कहना है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को टैक्स अदा करने के बावजूद मोबाइल फोन बंद हो रहे हैं, जिस पर शदीद तश्वीश है। हम तो अपने मौकफ के साथ खड़े हैं, अपने ताजर भाइयों के साथ खड़े हैं। ये बहुत क्रिटिकल सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इसमें सिर्फ हफीज सेंटर ही नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने दूसरे शहर हैं उनके साथ भी मेरा रवाबत हुए हैं। हर शहर में ये एक मामला चल रहा है। मेरे साथ मोबाइल बंद हुए हैं, जिनका टैक्स पे किया उनकी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। 1,50,000 रुपया फी फोन का टैक्स पे किया है। ताजिरों का कहना था कि सेकंड हैंड फोन पीटीए अप्रूव चेक करके खरीदते हैं। जब वो फोन किसी दूसरे गाहक को सेल करें तो कुछ अरसे बाद फोन बंद हो जाता है, जिससे ताजिरों और गाहक के दरमियान झगड़े हो रहे हैं। कोई ऐसा प्रॉपर दफ्तर नहीं है जहां पे हमें पता हो कि हम वहां पे जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो कोई ना कोई हर शहर में कोई ना कोई पीटीए का ऑफिस होना चाहिए कि अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो वहाँ पे जा सके। इनको जरा बराबर शर्म नहीं आती, गरीब लोगों का रिस्क कैसे छीनते हैं, इस तरह से लोगों से सलूक किया जाता है। हमने पाकिस्तान के एक मोतबर इदारा जो पाकिस्तान में बनाया गया पीटीए के नाम से, हमने अरबों रुपए टैक्स जमा कराए हैं उसमें। ताजिरों ने कहा कि फोन बंद होने से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, पीटीए इस मसले को हल करे वरना मोबाइल फोन की तिजारत से मुतल्लिका ताजिर बरादरी सड़कों पर होगी। कैमरामैन मोहम्मद साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मजीद खबरें शामिल होंगी।